नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंटरनेट पर वीडियोस का भंडार है। रोजाना यहां कई वीडियोस सामने आते रहते हैं। इनमें से कुछ वीडियोस हैरान कर देते हैं तो कुछ वीडियोस सतर्क भी करते हैं। हाल ही में एक ऐसा वीडियो देखने को मिला है जिसे देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। चौंका देने वाले इस वीडियो में एक शख्स एस्केलेटर पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसी बीच वो जैसे ही वो अंदर घुसता चला जाता है और फिर वह मशीन के अंदर बुरी तरह फंस जाता है। इस वीडियो को देखकर यूजर्स के भी मन में डर समा गया है। यूं तो आजकल जगह जगह एस्केलेटर की व्यवस्था होती है जिसकी मदद से इंसान मिनटों से नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे आ जाता है। हाल ही में इससे जुड़ा एक वीडियो लोगों को हैरान परेशान कर रहा है। बीबीसी के अनुसार यह घटना फरवरी 2008 में तुर्की के इस्तांबुल में आयजगा मेट्रो स्टेशन पर हुई थी। इस वायरल सीसीटीवी फुटेज में यात्रियों को एक्सीलेटर से नीचे उतरते देखा जा सकता है। वीडियो में आगे आप देखेंगे कि एक्सीलेटर रुका हुआ है जिस पर से लोग नीचे की ओर उतर रहे हैं। इस दौरान जब सभी यात्री नीचे की ओर उतर रहे होते हैं उसी दौरान अचानक से एक्सीलेटर चल पड़ता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी टेक्नीशियन इशू के वजह से एक्सीलेटर के सीढ़ियों में गैप बन जाता है जिसके कारण यह शख्स उसी के अंदर समा जाता है। इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोगों की सांसें अटक रही हैं। यह पुरानी वीडियो एक बार फिर इंटरनेट पर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। वहीं महमात अली एरिया के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि यह वह एक्सीलेटर के अंदर एक घंटे तक फंसा रहा। उसकी मदद के लिए कई यात्री सामने आए लेकिन असफल रहे।